नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो जो है वो कर्क राशि के लिए है, दिसंबर 2013 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल की राज्य सूर्य के बारे में, जो 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। वृश्चिक के जो सूर्य है वो राशि से पंचम स्थान के सूर्य है। पंचम स्थान में जो सूर्य है वो खास करके जो भी ज्यादा पढ़ाई अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं है। मित्रों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और लव मैटर में माइनर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। मंगल चलेंगे कन्या राशि में, जो राशि से तीसरे स्थान में है। पराक्रम स्थान में मंगल का भ्रमण शुभ है, साहस में वृद्धि होगी, साहस से लाभ होगा। बुध चलेंगे 20 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में और उसके बाद बुध का जो भ्रमण है वो धन राशि में हो रहा है। जो भी राशि से छठे स्थान में जाने वाले हैं जो शुभ है, राजयोग कारक है। सूर्य भ्रमण भी 15 दिसंबर के बाद धन राशि में होने वाला है। जो भी बहुत शुभ है, राजयोग कारक है। रोग शत्रु पर विजय रहेगा और छोटी यात्रा बड़ी यात्रा हो सकती है, यात्रा में बेनिफिट भी मिल सकता है। शनि और राहु चलेंगे आपके चौथे स्थान में, जो प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के प्रॉपर्टी के कार्य के लिए समय शुभ नहीं है। और केतु चल रहे हैं दसवें स्थान में, जिसके कारण थोड़ा सा करियर रिलेटेड टेंशन हो सकता है। खास करके डेट्स केयर करना है इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार हैं, 8 और 9, जिसके अंदर जो चंद्र हैं वो कुंभ राशि में रहते हैं। कुंभ के चंद्र जो है वो राशि से अष्टम स्थान के चंद्र है। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है। और डेट सबको केयर करना है 17, 18 और 19, जिसके अंदर जो चंद्र है वो मिथुन राशि में रहते हैं। राशि से 12वें स्थान के चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गुरु चल रहे हैं राशि से 12वें स्थान में, जो सुख स्थान में दृष्टि करते हैं, जिसके कारण मकान वाहन सुख में वृद्धि होगी, रोग शत्रु पर विजय रहेगा और आयुष्य बल में ये गुरु जो है वो वृद्धि करने वाले हैं। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, कमेंट्स करिए चैनल पर। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। गुड लक, ऑल द बेस्ट।